राजकुमारी ये कितना सुंदर आइलैंड है। बहुत सुंदर आइलैंड है राजकुमार, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है इस आइलैंड पे कहीं खजाना छुपा है, मुझे उसे ढूंढना होगा। ठीक है राजकुमार, पर जल्दी आना। मैं यूं गया और यूं आया। बाय बाय। बाय बाय। ला 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 ला। तभी पीछे से एक ईवल पायरेट। राजकुमारी अब कहां बच के जाएगी। दे दे मुझे सारा खजाना, दे दे। नहीं बचाओ। दे दे मुझे खजाना, बचाओ। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहानी कैसे खत्म होती है? आप एक सरप्राइज एंडिंग बना सकते हैं। आपको बस सीखना होगा कि कैसे ये सिल्वेट्स यानी शैडो को एक सी थ्रू स्क्रीन से प्रोजेक्ट किया जाता है और आपका होगा खुद का एक स्टेज। इसके लिए आपको पीछे क्लैंप की जरूरत पड़ेगी, इस तरह की। इसके लिए आप मम्मी पापा या किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक जूते के डब्बे की, इस तरह का डब्बा। देखिए इसका ढक्कन निकाल लीजिए और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस डब्बे को आप कैसे एक स्टेज का रूप दे सकते हैं। शैडो स्टेज बनाने के लिए बॉक्स को उल्टा कीजिए और बॉक्स के निचले हिस्से पे काम कीजिए। एक लंबा रूलर लेकर बॉक्स के चारों ओर चार लाइंस ड्रॉ कीजिए और एक फ्रेम बनाइए। लो बन गया रेक्टेंगल। अब इस ड्रॉइंग को किसी बड़े की मदद से काट लीजिए। बॉक्स के बाहरी हिस्से को पेंट कीजिए। मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये समुद्र का कलर है और हमारे प्ले का थीम भी है। अब बॉक्स के अंदर के हिस्से को ब्लैक पेंट कीजिए। पेंट सूख जाने के बाद बॉक्स के नीचे की आउटलाइन को एक ट्रेसिंग पेपर पर कॉपी कीजिए। ये बनेगा आपका स्क्रीन। अब किसी बड़े की मदद से इसे काट कर बॉक्स के नीचे के हिस्से पर चिपका दीजिए, पर थोड़ा ध्यान से। अब इसे अपनी उंगलियों से दबाइए और देखिए कि ये बराबर से चिपका है कि नहीं। वाह, लग रहा है ना एकदम परफेक्ट स्क्रीन की तरह। देखिए हमारे पास है ट्रेसिंग पेपर से बनी हुई स्क्रीन, है ना कमाल। और हमारे पास स्टेज तो है ही, तो अब हमें डिजाइन करनी है वो जगह जहां की ये कहानी है। और एक पायरेट एडवेंचर के लिए एक सुनसान आइलैंड से बेहतर जगह क्या हो सकती है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ही आसान है। एक कार्डबोर्ड पीस पर कुछ पाम के पेड़ बनाइए। अब आइलैंड को बनाने के लिए एक कर्व्ड लाइन बनाइए। अब पाम्स के अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स बना दीजिए। बहुत खूब। अब आइलैंड को और पाम के अंदर के हिस्से को काट लीजिए। इसके लिए किसी बड़े की मदद लीजिए। पूरे कटआउट को दोनों तरफ से ब्लैक पेंट कीजिए ताकि इसमें से लाइट ना गुजरे। पाम ट्री लीव्स बनाने के लिए क्लियर ग्रीन प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करें। पहले मार्कर से इसकी आउटलाइन ट्रेस कीजिए, फिर इन्हें काटिए और ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब लीव्स पर कुछ ग्लू लगाइए और ग्रीन काटे हुए प्लास्टिक शीट को चिपका दीजिए, कुछ ऐसे। आइलैंड को उल्टा कीजिए और देखिए कि हमारा थिएटर काफी हद तक तैयार हो चुका है। देखिए कि ये आइलैंड कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें कुछ लहरें बनानी है और लहरें बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एक ब्लैक मार्कर का और एक ट्रांसपेरेंट ब्लू शीट का। तो शीट पर दो वेवी लाइंस बनाइए, एक ऐसी और एक ऐसी। इसे अब काटना होगा और काटने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेंगी। परफेक्ट। चलिए अब हम अपना आइलैंड पूरा करते हैं इन लहरों यानी वेव्स के साथ। अंदर किसी एक कोने में थोड़ा सा ग्लू डाल दीजिए ताकि हमारा आइलैंड इससे जुड़ सके। हाँ ऐसे। थोड़ा ग्लू यहां पर भी लगाइए और हमारे बनाए हुए ब्लू वेव्स को यहां पर चिपका दीजिए। समुद्र का पानी हिल रहा है ऐसा दिखाने के लिए दूसरे वेव को पहले वेव के ऊपर चिपकाइए, पर ध्यान रखिए कि वेव्स के ऊपरी हिस्से एक दूसरे से ढक ना जाएं। अब आपका समुद्र और आइलैंड तैयार है। इस पर लाइट पड़ते ही पानी इतना मजेदार दिखेगा कि आप देखते रह जाएंगे। बस अब एक आखिरी जरूरी चीज, वो है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स को ब्लैक कार्डबोर्ड पर बनाइए ताकि जो लाइट इस पे पड़ने वाली है वो उसके पार ना जा सके। इन्हें हिलाने के लिए टेप की मदद से एक पतली लकड़ी इधर अटैच कीजिए। अब आप इन्हें जैसे चाहें वैसे नचा सकते हैं।
बस दोस्तों एक वादा कीजिए मुझसे कि आप एक सुंदर सी कहानी जरूर बनाएंगे। अब देखिए, अगर आपके कैरेक्टर्स लाइट के करीब आते हैं तो उनके शैडोज बड़े हो जाते हैं, और अगर यही स्क्रीन के पास जाते हैं तो शैडो शार्प और छोटे हो जाते हैं। तो चलिए अब अपनी कहानी जारी रखते हैं। तो म्यूजिक, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। राजकुमारी मुझे अपना खजाना दे दे। फिर से इविल पायरेट, बचाओ! राजकुमारी मुझे खजाना मिल गया, ये देखो। इविल पायरेट तू फिर यहाँ पे आ गया, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा, देखते हैं कौन जीतता है। टिंग टड़ां टिंग टड़ां ये ले टक टिंग टड़ां टिंग टिंग टिंग। तभी दूसरे ग्रह से वो देखो खजाना, चलो इसे अपने ग्रह पे ले चलें। ओह वो क्या है, भागो भागो। इसका एंडिंग काफी सरप्राइजिंग था ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब आपकी बारी है, अपना खुद का एक शैडो स्टेज बनाइए और किरदार बनाइए, और उनके साथ एक जबरदस्त पायरेट और प्रिंसेस की स्टोरी रचिए।